हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में टोटल दो टाइप्स के व्यूअर हैं। फर्स्ट वो हैं दोस्तों जिनका सिम तो एक्टिवेट है, बट दोस्तों वो ये नहीं जानते हैं कि आखिर उनका फ़ोन नंबर क्या है। एंड सेकंड वो व्यूअर्स हैं जिनका दोस्तों सिम डीएक्टिवेट है, बट दोस्तों वो फिर से चाहते हैं कि उस सिम को रीएक्टिवेट कराना। सो दोस्तों प्रॉब्लम इनके साथ भी वही है जो प्रॉब्लम नंबर वन व्यूअर्स के साथ है, सेम सेकंड व्यूअर्स के साथ यही प्रॉब्लम है। उनको यही नहीं पता है कि ये जो इनका सिम है कि इसका फ़ोन नंबर क्या है। तो दोस्तों डोंट वरी, बस आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को मिस बिल्कुल से भी मत करना। अगर वीडियो मिस करते हो देन आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है एंड इंटरेस्टिंग है, तो चले करते हैं वीडियो को फटाक स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे थे उन यूजर्स का जिनका दोस्तों सिम तो एक्टिवेट है, बट दोस्तों वो ये नहीं जानते कि उनका नंबर क्या है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सिंपली से जाओ गूगल सर्च बार खोलो एंड सिंपली से वहाँ पे आप लिखो आपका कोई भी कंपनी का सिम है। मान लो कि सपोज डेट कि आपका एयरटेल का सिम है, तो वहाँ पे आप लिखो एयरटेल USSD कोड। तो यहाँ पे देखते जैसे ही सर्च किया आपके सामने यहाँ पे आपको खुल के आ चुका है। यहाँ पे आपको सेकंड नंबर कोड दिख रहा है, अगर आप अपना एयरटेल का नंबर चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इस कोड को कॉपी करो एंड डायल बार खोलो एंड वहाँ पे आप इसे पेस्ट करके सिर्फ इसे कॉल कर दो। कॉल करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आपका नंबर निकल के आ जाएगी। अगर दोस्तों आपसे ये नहीं हो रहा है तो आपके पास स्मार्टफोन तो होगा, तो सिंपली से आप कोई सा भी यूज़र हो, कोई सा भी कंपनी का आप सिम को यूज़ करते हो, जियो का करते हो, तो सिंपली से प्ले स्टोर में जाओ एंड माई जियो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो एंड सिंपली से वहाँ पे आप अपना नंबर देख सकते हो। इसी तरह से आप कोई भी कंपनी एयरटेल है तो एयरटेल का आप यहाँ पे ऑफिशियल ऐप होते हैं उसे डाउनलोड करके वहाँ से भी आप नंबर अपना देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों उन यूजर्स की जिनका दोस्तों सिम ही डीएक्टिवेट है, बट दोस्तों वो चाहते हैं उस सिम को फिर से एक्टिवेट करना। तो दोस्तों उसके लिए आपको सिम को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले अपना नंबर जानना होगा। अगर आप नहीं जानते हो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उससे पहले यहाँ पे मैंने इसी क्यूरी को लेकर यहाँ पे कस्टमर केयर को फ़ोन किया था, पहले ये कंजर्वेशन आप सुन लो तो आसानी से आप जान जाओ कि आप अपना डीएक्टिवेट हुआ सिम का नंबर कैसे निकाल सकते हो। गुड इवनिंग, सुनीता बात कर रहे हैं, जैसे बोले किसका क्या सहायता कर सकते हैं जी? मैम एक्चुअली है क्या, मेरे पास एक जियो का सिम है जो कि डीएक्टिवेट हो चुका है, बट मैं कंफ्यूज हूँ कि सिम का नंबर क्या है। क्या सिम का नंबर है क्या? मतलब जो सिम है ना मेरा, एक और जियो का सिम है, वो सिम का मतलब वो डीएक्टिवेट हो चुका है, मतलब बहुत दिन से यूज नहीं कर रहा। नंबर बोले? सिम का नंबर मुझे नहीं मालूम है, वही मुझे फोन नंबर उसका जानना है। सिम है मेरे पास। माफी चाहते सर, सिम है, नंबर अगर पता नहीं है तो हम कैसे आपको बताएगा सर? सीधा नंबर से हम बता नहीं सकते कुछ भी। तो फिर नंबर बोलेंगे हम तभी जाकर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो फिर नंबर कैसे मैं निकलवाऊँ? नंबर से कैसे आपको निकल गए हम कैसे बताएगा अभी सर? अगर आपका पास नंबर है तो हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर नंबर नहीं, सिम डीएक्टिवेट हो चुका है ना? डीएक्टिवेट हो चुका है तो अभी सर कुछ नहीं कर सकते। नियरेस्ट जियो स्टोर पे जाकर आप न्यू सिम अप्लाई कर सकते हैं। आपको जियो स्टोर पे जाकर और आईडी प्रूफ और फोटो में अप्लाई कर सकते हैं न्यू कनेक्शन के लिए। फिर आज सेम नंबर से मैं ले सकता हूँ? सेम नंबर नहीं, दूसरा नंबर मिलेगा। मतलब ये सिम का कोई उपाय नहीं है ना? तो इसलिए आप स्टोर पे बात कर लीजिए, स्टोर पर्सन जो बताएगा इसी हिसाब से आपको करना होगा। ठीक है जी मैम, थैंक यू। तो दोस्तों आप लोग ने कंजर्वेशन सुनी लिया होगा मेरे और कस्टमर केयर के बीच में। सिंपली से मैं कस्टमर केयर को कॉल करता हूँ एंड अपना प्रॉब्लम बताता हूँ कि मेरे पास एक सिम है जो कि डीएक्टिवेट हो चुका है, बट मैं उसे फिर से रीएक्टिवेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे अपना नंबर जानना होगा, बट मैं अपना नंबर भूल चुका हूँ। तो उसने यहाँ पे मुझे सिंपली से एक ही वर्ड में बता दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं किसी तरह से आपका मदद नहीं कर सकता हूँ। बट दोस्तों कोई बात नहीं, एक बार आप ट्राई कर सकते हो। उन्होंने ये भी बोला कि एक बार आप यहाँ पे अपने नियर बाय स्टोर जा सकते हो जहाँ से दोस्तों आप लोगों ने अपना सिम खरीदा, मतलब रिटेल स्टोर। मान लो कि आपका जियो का सिम है तो यहाँ पे अगर आपके नियर बाय कहीं पे जियो का स्टोर है तो वहाँ पे आप जाओ एंड एक बार ट्राई करो। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, वो सेम डॉक्यूमेंटेशन लेके जाना जो डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपने सिम वो बाय किया था। क्या आपको वो भी नहीं पता कि आप किस डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो सिम बाय किया था? कोई बात नहीं, ऊपर में आपको एक वीडियो मेंशन कर रहा हूँ, ऊपर जाओ वहाँ पे आप इस वीडियो को वॉच करो एंड आपको पता चल जाएगा कि आपने ये जो सिम बाय किया था वो किसके डॉक्यूमेंटेशन पे किया था। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। वैसे तो मुझे पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम लगती है, बिकॉज दोस्तों आपको पता है कि सिम को डीएक्टिवेट करने के बाद वो सिम आपके लिंक अनलिंक हो जाता है ऐप से एंड दोस्तों किसी और कस्टमर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ चांसेस है कि आपका वो नंबर बैक नहीं होगा। यही एक सिंपल सा जवाब है दोस्तों। आपको कोई सा भी वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। डायरेक्टली मैंने आपको यहाँ पे कस्टमर केयर से यहाँ पे आपको कंजर्वेशन सुना ही दिया कि यहाँ पे मैंने अपना प्रॉब्लम बताया, उन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया।
सो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। एंड हाँ दोस्तों, सिम के रिलेटेड मतलब कोई सा भी क्यूरी है आपके मन में तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हो एंड ऑफकोर्स मैं आपको आंसर दूंगा। शायद से हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो ही उसे पे बना दूं। तो आप मुझे अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।